जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं ऐसा। बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ सच लिखता हूँ यार। कितने कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? Kangana, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned. No, Kangana, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that podium. You are bashing my film, Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on you are calling me a jingoistic woman who's Kangana, making a film on nationalism. Kangana, is it my mistake to make Kangana, a film on... If I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika, so... I will send you. And I respect. Of course. I don't know. This is not the right way, Kangana. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. Can we have the... No. Buddy. Of course. No, because I didn't start it. You Sorry. Are... Inti- yeah. Ek second. Aap chillana band kijiye. Aap chillana band kijiye. Aap kijiye. Lekin ek second. Ek second. No, bro, there is a reason why I'm here. Chill karenge aap. Can we please chill? नहीं संजय सर सर आई अपोलोजाइज ओके प्लीज कैन वी ओके प्लीज ओके ओके प्लीज जस्टिन बात कर रहे हैं ये बीच में नहीं बोलेगा बात है कि अभी बोलेगा इसने बीच में किसको बोला बाद में बोलेगा जस्टिन और कंगना बात करेंगे अभी बात चल रही है जी जी We're so sorry, guys. We're so sorry about this. We'll continue. We have huge respect for everyone here. We're really sorry to everyone. Sorry about this. Please continue talking. देखिए भाई साहब आप प्लीज सुनिए सब सॉरी बोलते हैं आपको आप प्लीज आराम से सुनिए देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं ठीक है या तो ठीक है या तो अगर आप मेरे साथ तू तड़ाक में बात करते हैं आप मेरे को कहते हैं शरारतें करनी है ये करनी तो मैं भी आपको अपने दोस्तों की तरह हम लोग एड्रेस करें यहाँ डिस्कोथेक में बैठे हुए हैं शराब पी रहे हैं गाने देख रहे हैं सो कहने का मतलब ये है डिपेंडिंग ऑन द ये प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं कहाँ से बातें आ रही है अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई काम नहीं है यहाँ पे उनको भूल जाइए ठीक है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेट एनवायरनमेंट में देखो मैंने गार्टर्स पहने हुए हैं यू अंडरस्टैंड सो आपको लग नहीं रहा मेरे लुक से वी आर इन एन इंटीमेट एनवायरनमेंट और हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग जब स्टार्स को मिले तो वो तो सभी देखते हैं कि स्टार्स का क्या टशन होता है बट स्टार्स कैसे बात करते हैं दोस्तों से जो दोस्त आपकी वैन में आया हो उसने कुछ दो चार गंदी बातें लिख दी तो उससे कैसे कहते हैं अरे यार तू तो आजकल ऐसे कर रहा है अरे यार तू आजकल बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है आप भी कहिए हमें क्या हम लोग इस तरह से आग बबूला होकर भाग जाएं तो कहने का मतलब है इस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होगा ये चेतावनी है अब आप लोगों के लिए और शुरू का ये जो कहते हैं ना कि अनाउंसमेंट है ठीक है अब इसको मद्देनजर रखते हुए बात करिए ठीक है कंगना जी हाय कंगना जी आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं संस्कारी इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई ओके कंगना जी कुछ कंगना जी आपको कुछ याद है जब आप पैदा हुई थी तो लोगों ने आपके बारे में किस तरह की बातें की थी लाइक आपके मॉम डैड ने कुछ बताया होगा आपको जब मैं पैदा हुई थी हाँ. क्योंकि मैंने राज के लिए कहा रोस्ट में कहा कि टैलेंट पैदा हुआ है आई थिंक मैं जब पैदा हुई तो बिल्कुल गंजी थी मेरे सर पे एक भी बाल नहीं था तो मेरे पापा एकदम कह के थे कहते तो गंजा बच्चा हुआ है तो मेरे पापा मुझे फिर बचपन से गंजू कहते थे जब मेरी बहुत बड़ी एफ्रो उग के आई तो एक छोटी सी कहानी होगी बताने के लिए कि ये बच्चा इतना सारे बाल होने थे इसके बाद में बट पैदा हुआ था तो गंजा सो लाइक दैट दोस स्टोरीज वर फ्लोटिंग अराउंड व्हेन आई वाज बोर्न कंगना एकता जी आपसे एक सवाल है एकता जी यू नो आपने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है बहुत सारे लोगों को आपने ब्रेक भी दिया है जिनका करियर बहुत ही आज अच्छा चल रहा है लोग आपने एकता कपूर जी के भी साथ में काम किया लोग एकता कपूर को कहते हैं कि लोग कंगना रनौत के बारे में कहते हैं कि कंगना बहुत ही मेंटल है कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए हमें उनके साथ में काम देखो अब मैं भड़क जाऊं नहीं नहीं रुकिए 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 आप मुझे कह सकते हैं ये मेंटल है तो कहने का मतलब ये है तो नहीं कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये लिबर्टी ले रहे हैं आई डोंट माइंड
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि एक वन वे ट्रैफिक मत करो ना यार. हाँ जी हाँ ठीक है. एकता जी सवाल ये है कि आप कंगना को मेंटल मानती हैं या जजमेंटल मानती हैं? आप अपना क्वेश्चन मैडम इनको बोलने दीजिए ना. सवाल आपसे ये है कि आप कंगना को, आपने भी कंगना के साथ में काम किया है, आप कंगना को मेंटल मानती हैं जजमेंटल मानती हैं? मैं जजमेंटल नहीं हूँ, इसलिए कंगना को एब्सोल्युटली मेंटल मानती हूँ. वो नॉर्मल होती तो मैं इतना काम नहीं कर पाती. यू हैव टू बी क्रेजी कंगना, योर पैशनेट. You have to be a woman who believes in herself to live her life on her own terms the way Kangana does. This is my third film with her. If I have my way, I'll work every year one film with her. She is fantastic. She's a force to reckon with. And that is because she does not work in the normal scheme of things. She's a proud mentor. Kangana, your center. Ekta ji, aur ek sawal tha. Video mein hume casting room dekhne ko mila. तो मतलब क्या होता है उस कास्टिंग रूम में, अगर आप हमें बताना चाहें तो? क्या लगता है ये कास्टिंग रूम में मैं किसी को लेके जाऊंगी? ये उसके लिए अच्छी बात होगी, मेरे लिए नहीं. कंगना योर सेंटर, जब ट्रेलर रिलीज हुआ उसके 2-3 दिन तक ट्विटर पे गेम चल रहा था, रिप्लाई गेम चल रहा था, रंगोली जी कर रही थी, बहुत सारे. देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज कोई हमारे भाई बहन है, कोई उनके डेमोक्रेटिक राइट्स आप ले नहीं सकते कि आप कंगना की, जो उनको कहना है वो कहते हैं. आप ट्वीट, जब आप यहाँ पे आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके पीछे क्या सोच थी, बिकॉज आई एम नॉट माई सिस्टर स्पोक्स पर्सन. But at the same time, it is her fundament. आपकी वॉल पे तो वो लिख नहीं रही है. नहीं, उसको लिखने दीजिए जहाँ लिख रही है. आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए. वो रोज सुबह बेल तो बजाती नहीं है आर्मी की कि आके मेरे ट्वीट पढ़ो. वो अपना लिखती रहती है, कई बार लोगों को टैग भी नहीं करती है. उसको बेचारे को लिखने तो जो लिखना है. ऐसे भी ट्विटर पे क्या लोग अपने गंदे फोटो ही डालते हैं, कुछ तो अच्छा काम हो नहीं रहा है. बट एटलीस्ट शी हैज एन ओपिनियन.